लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण को लेकर 26 अप्रैल को भागलपुर जिला में भी मतदान होना है, जिसको लेकर भागलपुर में 3 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। जिला स्कूल भागलपुर से बांका लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी सामग्री दी जा रही है। वहीं पॉलिटेक्निक बरारी भागलपुर से 4 विधानसभा क्षेत्र और नगछिया इंटर स्कूल से 2 विधान सेवा क्षेत्र को कंडक्ट किया जा रहा है। वहीं आज मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को गंतव्य मतदान केंद्र पर रवाना किया जा रहा है। ईवीएम मशीन व सभी चुनावी सामग्री के साथ सबों को अपने अपने सुनिश्चित मतदान केंद्र पर भेजा जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर व्यापक सुविधाएं मुहैया करा ली गई है। फोर्स के लिए बूथ के अलावा जोनल दंडाधिकारी या फिर अन्य दंडाधिकारी के साथ हर समय फोर्स मौजूद रहेंगे। वहीं 1270 बूथ पर वीडियो कास्टिंग होती रहेगी, साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन से भी सुरक्षा व चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए पैनी नजर रखी जाएगी। जानकारी जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दी। साथ उन्होंने कहा कि इन सारी तैयारियों के साथ में पूरा भरोसा है कि आम जनता निर्भीक होकर वोट करेगी और मतदान प्रतिशत बढ़ाकर देश में अपने शहर की पहचान बनाएगी। वहीं जिलाधिकारी शहरवासियों से अपील भी करते दिखे। उन्होंने शहरवासियों से कहा कि आप लोग बिल्कुल निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करें, भय का वातावरण हम लोगों ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कंट्रोल रूम में भी सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग काम करेंगे, समस्त अधिकारी इस पर निष्ठा से कार्य करेंगे और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं किसी भी बूथ पर अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसे सेक्टर दंडाधिकारी द्वारा तुरंत दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। पैच सेंटर से हम लोग विभिन्न बूथ के लिए अपने कर्मियों को, पदाधिकारियों को एवं सुरक्षा बलों को रवाना कर रहे हैं। आज हमारे पूरी टीम ईवीएम के साथ, मशीनरी के साथ सभी बूथ पे रवाना हो जाएगी और सभी बूथ पे हम लोगों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आपको अवगत करा दें कि फोर्स के लिए बूथ के अलावा जो जोनल दंडाधिकारी हैं उनके साथ पुलिस पदाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी हैं, एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी हैं, क्यूआरटी हैं। इसके अलावे आपको 1200 से अधिक बूथ पे, लगभग 1270 बूथ पर हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग भी करा रहे हैं, वेबकास्टिंग करा रहे हैं, जिसमें कि जिस कैमरे में बहुत सारी चीज़ें कैद होंगी। इसके अलावे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी ऑब्जर्वर साहब के द्वारा लगाया गया है। तो इन सारी तैयारियों के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी आम जनता निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के वोट करेगी और मैं अपील करूंगा कि वो बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के वोट करें और हम लोगों ने भय का जो वातावरण है बिल्कुल समाप्त कर दिया है। हमारा कंट्रोल रूम भी सभी विधानसभा के लिए अलग अलग काम करेगा, हम वहां पे रहेंगे, हमारे समस्त अधिकारी फोन रिसीव भी करेंगे और किसी प्रकार की कोई सूचना होगा तो हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। और हम लोगों ने ये प्लान कर लिया हुआ है कि हमारे किसी भी बूथ पे कोई भी इशूज हो, चाहे मशीन का इशूज हो या किसी कोई विवाद का इशूज हो, तो विद इन 7 मिनट्स हमारे सेक्टर दंडाधिकारी वहां अपनी टीम के साथ पहुंच जाएंगे। यहां का डिस्पैच करनी है, 3 डिस्पैच सेंटर है हमारा। जिला स्कूल से हम लोग जो बांका लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए हम लोग भेजेंगे, जैसे कि बांका लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होना है सुल्तानगंज में, यहां की हमारी टीम सुल्तानगंज जाएगी, फिर हमारी मशीन वहां जमा करेगी। दूसरा जो पॉलिटेक्निक बरारी है वहां से हम 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे और नौगछिया में जो इंटर स्कूल है वहाँ से हम लोग 2 विधानसभा क्षेत्र के लिए आम लोकसभा के चुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे और सुबह 7 बजे से संध्या के 6 बजे तक मतदान चलेगा और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सभी मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ 4 स्तर पर जो हमारे गश्ती दल है वो लगातार मतदान केंद्रों पर गश्त करते रहेंगे। सभी जो मतदातागण हैं उनसे अनुरोध है कि आप भयमुक्त होकर आप बाहर निकलें और कल बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर आएँ। हमारे जितने भी मतदान कर्मी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप हमारे कल मेहमान होंगे, आएँ अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भागलपुर को पूरे राष्ट्रीय पटल पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थापित करें और उसमें अपना योगदान दें। केंद्रीय बलों सहित विभिन्न प्रकार के जो हमारे BSAP की कंपनीज हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं, सभी लोगों की ड्यूटी विभिन्न विभिन्न बूथ पर लगाई गई है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध पर्याप्त पोल हैं और लगातार गश्ती पार्टी भी लगातार गश्ती करती रहेगी और कहीं पे भी किसी भी गड़बड़ी की सूचना मिलेगी तो 10 मिनट के अंदर हमारा कोई न कोई गश्ती दल तत्काल उस बूथ पे पहुंच के और उन चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, आप घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग। हम इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के
प्रांगण में है और पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज जो मतदान कर्मी हैं उन्हें यहाँ से जो डिस्पैच सेंटर बनाया गया है ईवीएम का, अब वो लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे ये तमाम मतदान कर्मी हैं, मजिस्ट्रेट है, प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जिन्हें आज यहाँ से रवाना किया जाएगा। और हमारे कैमरा पर्सन सीधे आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम मतदान कर्मी हैं, उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब ईवीएम ये लोगों को दिया जाएगा और ये लोग अपने अपने गंतव्य बूथ पर जाएंगे जहाँ 26 अप्रैल को भागलपुर में मतदान कराना ये लोग सुनिश्चित कराएंगे। बहरहाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि भागलपुर के जिला निर्वाची पदाधिकारी और सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी मोटिवेट कर रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं कि किस तरह से मतदान कर्मियों को मतदान कराना है, प्रिजाइडिंग अफसर को क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके पावर हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के डीएम उन्हें खास निर्देश दे रहे हैं। उनके साथ इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर हैं वो हैं, सीनियर एसपी हैं, उन्होंने तमाम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो मतदान कर्मी हैं सभी विधानसभा के, चार विधानसभा का जो डिस्पैच सेंटर है वो यहाँ बनाया गया पॉलिटेक्निक में, एक जिला स्कूल में बनाया गया है और फिर नवगछा में भी बनाया गया डिस्पैच सेंटर। तो तमाम लोगों को अब यहाँ से रवाना किया जाएगा उनके उनके जगह पर, उनके उनके जहाँ उनकी ड्यूटी पड़ी है, जिस जगह पे उन लोगों की ड्यूटी पड़ी है, जहाँ उन्हें बूथ पे जाना है और पोलिंग कराने के लिए, ये तमाम लोग अब यहाँ से रवाना होंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि लंबी लंबी कतारें लगी है, सुरक्षा के जो तमाम जवान हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं, यहाँ से रवाना होंगे अब से कुछ ही देर के बाद। फिर लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है और दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को भागलपुर लोकसभा में मतदान होना है, जिसको लेकर के भागलपुर के जिलाधिकारी ने अभी अभी तमाम लोगों को यहाँ पर मतदान कर्मियों को संबोधित किया है, उन्हें जो दिशा निर्देश हैं भारत निर्वाचन आयोग के उन तमाम दिशा निर्देशों से अवगत कराया और उन्हें कहा है कि आप पोलिंग के प्रति पूरी तरह से जवाबदेही आपकी है, आप में वो सारी शक्ति मौजूद है जो एक भागलपुर के जिला निर्वाची पदाधिकारी में शक्ति मौजूद है। तो बूथ पर आपको पूरी शक्ति के साथ लोगों से वोट करवाना है और कहीं भी ये देखना है कि किसी तरह का कोई वायलेशन नहीं हो। बहरहाल उन्होंने सुरक्षा को लेकर के कहा कि पुख्ता इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर के, कहीं भी किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के लोग तैनात रहेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवीएन प्रदेश, भागलपुर। इन दिनों पूरा बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम के तल्ख तेवर से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भागलपुर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी और लू के कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है। मौसम विभाग की माने तो जिले में अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। The
बरारी थाना क्षेत्र के धोबिया टोला के रहने वाले राजकुमार नामक व्यक्ति ने पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी और पिता का कहना है कि मृतक राजकुमार कुछ दिनों से एक लड़की से फोन पर बात करता था, जिसको लेकर पत्नी और पति के बीच अक्सर विवाद होता था और एक दिन पहले भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी। वहीं कल देर रात राजकुमार ने पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पत्नी का कहना है कि दूसरी लड़की से लगातार वो मोबाइल पर बात करता था, जिसका वो पुरजोर विरोध करती थी, जिस पर राजकुमार के द्वारा पत्नी के साथ मारपीट भी की जाती थी। वहीं घटना के बाद पुलिस कई बिंदुओं पर मामले की जांच में जुट गई है। बहुत पहले फोटो आया था कोई लड़की का, एक व्हाट्सएप पे, ठीक, बस उसके बाद फोन आया तो हमसे जैसे फोन आया बोले वही लड़की का फोन है जो फोटो भेजा, तो उसके बाद फोटो तुरंत उधर जाकर बात करने लगा, फिर फोन आया। उसके बाद फिर कल परसों को ना रात में वही लड़की का नंबर था, तो हम बोले कि वही लड़की का नंबर जो फोटो भेजा है, बस ये नंबर तुरंत डिलीट कर दिया। उसके बाद डिलीट किया, उसका नंबर सेव था। हम उस पर फोन लगाने लगे, फोन लगाने ने बस मोबाइल पे फोन छीन के कट दिया छीन के फोन। उसके बाद हमको मारने लगा, बस खुद छत पर से कूदने लगा। किसी तरीका से रात में बचाए इसको, रात में बचाए। उसके बाद हम सुबह में हमेशा ऐसे 9-6-7 साल ऐसे कोनो फसड़ी लगाए, कभी सिनम फाइट मारता है। तो उसके बाद हम सुबह में छोटा बाबू लेके मायके खाली चल गए, पर कल शाम में गए, सुबह में 5 बजे निकले थे घर से। कल खाना कल रात में ये सब था, कैसे हुआ ये सब जाने। अब हमको नहीं पता ही कैसे लगाया, ये आप जाने, हम यहाँ पे नहीं थे। लड़की का नंबर था डिलीट कर दिया, इसे हम फोन लगाने लगा, बस उसी में झगड़ा होने लगा। बातचीत करता था उसी का आप विरोध कर रही थी? हाँ, बस वही। कब शादी हुआ था? 6 साल पहले। बात सही है, तो लड़की के मैटर में हाथ गया था। खाने पीने में कोई कमी नहीं था, लोग खुशी से खाता था, खुशी से रहता था। वही शाम होते हुए जो है भाई कौन अब जैसे मोबाइल में देख लेता था, उसी के मैटर से जो है बात भर जाता था। आरोप है कि आपके बेटे जो है पत्नी के साथ मारपीट करता है। पत्नी वही लड़की के मैटर में, खाने पीने में तो कमी नहीं है ना इनको? कैसे सुसाइड किया? सुसाइड सर जो है पत्नी इसका जब सवेरे चली गई, रात में झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, ये हम भी नहीं जानते, हम भी गाड़ी चलाते हैं टोटो से, हम चले आते हैं, हम आए तो हमको कोई पता नहीं है सर, हमको कोई पता नहीं है। हम रात में आए 11 बजे, रात में हम सो गए हैं सर, और रात में कितनी झगड़ा हुआ नहीं हुआ ये हमको कोई जब सवेरे जब हम उठते हैं तो हमको लड़के फिर उठाता है कि ठटकाया उठो पत्नी से, यहाँ भी उठे घपरा को, उस समय बज रहा था 4 बजे, तो उठे तो जवाब इधर का रवि भी खोजा, तो फिर लग जाए भेज वही जो अंजाद हुआ 1 घंटा अब जो भी है, फिर उसको हम भेजा जो जवाब को पूर्ण घाट जाओ खोज किया। सुसाइड सर जो हम भी नहीं जानते कैसे हुआ सर, ये उठा तो भोरे सबको फोन लगाने लगा ससुरा कि वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, माटी लगाया या जहर खाया ये भी हमने जाना, लेकिन यहाँ पंखा में जो झूला हुआ था सर, आगे से तालाब बंद था, एक रूम में 2 दरवाजा, एक तरफ तालाब बंद है, एक तरफ से भीतर से छिटके नहीं बंद। जांच करने वाला आया, उसका जो है सब चीज दिखा, उसका जो उसका चाबी मिला, उसका पकेटे से। आम निर्वाचन 2024 को लेकर बिहार में कल यानी 26 अप्रैल को 5 जिलों में दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें भागलपुर भी शामिल है। गौरतलब है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचार प्रसार भी कल शाम से थम चुका है, सबों ने अपना दमखम दिखाया। एक से बढ़कर एक शीर्ष नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के लिए कई वादे करते हुए जनता को रिझाने का काम किया। अब देखने वाली बात होगी कि कौन भागलपुर की सांसद की कुर्सी का हकदार होता है। इस बाबत पिछले 4 सप्ताह से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कई सभाएं की, कई जागरूकता रैलियां, कैंडल मार्च, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कल के प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने यह भी दावा किया कि भागलपुर में 90% मतदान की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर आज भागलपुर के DRDA सभागार में पूरे बैंड पार्टी के साथ कोतवाली तक NCC स्काउट एंड गाइड जीविका दीदी, शहरी क्षेत्र के कई विद्यालय के बच्चे सहित हजारों लोगों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं इस रैली को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव एक
पर्व है। इसमें छोटे बड़े अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। उनकी हक की लड़ाई का सबसे बड़ा अस्त्र यही है, अपना मतदान। उनका एक एक मतदान काफी कीमती होता है, जिससे सरकारें उनके मन मुताबिक बनती हैं। उन्होंने कहा, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, सभी घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचे और अपना कीमती वोट जरूर दें। इस मतदाता जागरूकता रैली में जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी, डीडीसी कुमार अनुराग, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई आला अधिकारी व शहरवासी मौजूद रहे। कल 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान है और आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बच्चे, हमारे बैंक के लोग, हमारे समस्त अधिकारीगण, हमारे समस्त कई काफी संख्या में शिक्षकगण, यहाँ के तमाम आम जनता, सभी लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। बस एक ही बात मैं कहूँगा कि ये अब भागलपुर की प्रतिष्ठा का सवाल है, भागलपुर के अस्मिता का सवाल है। भागलपुर को हम इतना अच्छा मतदान करें, इतना बेहतरीन मतदान करें कि भागलपुर का नाम पूरे देश में रोशन हो, यही मैं बस आग्रह करूँगा।